होता है मेडिकल इश्यू, हर चीज अपने को पहले से पता होती है, मुझे क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, दे ऑल आर डिसाइडेड, बट इमरजेंसी थिंग होती है वो होता है मेडिकल इश्यू। सो मेडिकल इश्यू के लिए हम जो प्लान कर रहे हैं, मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ उसके लिए, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर आपके बुखार होता है ठीक है तो भी एलबीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, आपको जस्ट ऐप ओपन करना है, जस्ट बुक ए अपॉइंटमेंट फॉर योर नियर बाय डॉक्टर, डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा ऑन ए कॉल, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको एक डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा कि 10:30 पे आपके इस पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, तो उस 10:30 के टाइम पे आप जाओगे, आपका वहां टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, प्रोफेशनल डॉक्टर होगा वो आपको अपॉइंट करेगा, और आपको वहां पे पेमेंट नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, नॉट ओनली मेडिकल सर्विसेज, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग लॉट्स ऑफ सर्विसेज, लाइक बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पे है जिनको आउटिंग पसंद है, यार यू नो फूड, फास्ट फूड पसंद है, मुझे भी है, मुझे देख के लग रहा होगा ठीक है, तो फास्ट फूड के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि बर्गर, पिज्जा, सैंडविच या जो भी फास्ट फूड्स होते हैं, वो सारी सर्विसेज भी आपको आपके ओन डोर पे मिलेगी, और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली ए सर्विस कि आपने सर्विस का यूज किया, आपने पेमेंट किया, नो, इसके साथ साथ आपका जो बेसिक बिजनेस है, जो आपका बिजनेस वॉल्यूम डोर होता है वो भी एड होगा। आप इन जनरल महीने में सब फोन का रिचार्ज करते ठीक है, तो 399 में, 499 में, व्हाटएवर कोई भी रिचार्ज करते, और मुझे नहीं लगता कि इन करंट एरा में जो अभी एट परसेंट जो एप्लीकेशन यूज हो रही है या फिर जो रिचार्ज शॉप्स है वहां से आपको कोई बेनिफिट होता होगा, नहीं होता राइट। तो अभी अगर आप जैसे आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप अपना फोन रिचार्ज करते तो हम उसका कुछ पार्ट आपको देंगे, चाहे वो एक बिजनेस वॉल्यूम हो, चाहे वो एक रिवॉर्ड हो या कुछ भी हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी मीटिंग करनी है, लाइक जैसे सर जैसे लीडर्स हैं उनको अपनी टीम से मीटिंग करनी है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आप ऑन दैट टाइम अपनी मीटिंग ऐप के ऊपर विद इन अ सेकेंड बुक कर सकते हो, विद इन अ सेकेंड वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो, अपने ऐप के ऊपर कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके का अपना पर्सनल डेटा शेयर कर सकते हो, आपको प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ हर एक यूजर को हम डेटा स्टोर करने के लिए पर्सनल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर्सनल क्लाउड से मेरा मतलब है कि जैसे अभी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं, फॉरेन ट्रिप किया, व्हाटएवर, तो उनके फोटोज, वीडियोज या बहुत सारी मेमोरीज होती है पास्ट की, वो सारी अपन स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे, वो सर्विस हम पर्टिकुलर जो भी पर्सन हमसे जुड़ा हुआ है उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी ये जस्ट ये मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है जो मेरा डिस्कशन हुआ था इनके साथ, बट ऐसी हजारों सर्विसेज है, इट्स जस्ट ए ट्रेलर, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो हम आपके सामने लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, और ये भी ऐसा नहीं है कि हम आपको कहेंगे कि हम अगले साल लॉन्च करेंगे या हम ये प्लान कर रहे हैं, इट्स अंडर प्रोसेस एंड ऑल, ऑल थिंग्स आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर यू। अभी आप में जो जोश है इससे डबल जोश जिस दिन आ गया उस दिन लॉन्च कर देंगे। उसके अलावा बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं, तो अगर मैं बताने बैठा तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो बस मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना एप्लीकेशन है उसका छोटा सा इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। अभी ये अंडर प्रोसेस है, ऐसा कुछ लोगो रहेगा, अभी दिख नहीं रहा होगा बट आप सबके पास आ जाएगा बहुत ही जल्दी। अभी क्या है ना कि अंडर प्रोसेस है, तो कुछ अभी हम जल्दी लॉन्च करेंगे तो आप सबके पास एप्लीकेशन आ जाएगा, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ अपना इंटरफेस रहेगा, यह अपना एप्लीकेशन रहेगा, और यहाँ पे आपको पूरी कैटेगरी मिल जाएगी, चाहे आपको ज्वेलरी खरीदनी है, आपको वेजिटेबल्स खरीदनी है, फैशन ज्वेलरी, क्लॉथ्स आपको खरीदने हैं, या कुछ भी आपको जो परचेज करना है। ये सारी कैटेगरी जो फैशन ज्वेलरी ग्रोसरी, तो ईच वाली थिंग
Like आप अगर मोबाइल खरीदना आपको नॉट ओनली मेडिकल सर्विसेज नॉट ओनली यू नो फास्ट फूड एंड ऑल बट अगर आपको मोबाइल खरीदना है हार्डवेयर खरीदना है कुछ भी जो आप प्लान करते हो हम डे बाय डे टाइप्स करते जा रहे हैं लाइक सैमसंग है एप्पल है उन सबके साथ हमारे धीरे टाइप्स हो रहे हैं और वो सारे मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सारी चीजें आपको पियानो खरीदना है या कुछ भी जो आप सोचते हो खरीदना है तो वो डे बाय डे आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। अपन अमेजोन पे जाते हैं फ्लिपकार्ट पे जाते हैं स्नैपचैट काफी सारी जो एप्लीकेशन है वहां पे अपन जाते हैं तो सिर्फ शॉपिंग के पर्पज से बट शॉपिंग करने से अपने को क्या बेनिफिट होता है लाइक अपने को क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेसिफिक 10% डिस्काउंट मिल जाता है व्हाटएवर जो भी बट अपने को स्पेसिफिक कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई भी चीज परचेज करेंगे या किसी को रेफर करेंगे नॉट ओनली फॉर परचेज अगर आपने परचेज नहीं करने आप नहीं कर रहे आपका कोई फ्रेंड मोबाइल खरीदना चाह रहा है और उस मोबाइल की प्राइस एक मोबाइल शॉप के ऊपर 10,000 रुपए है तो सबसे पहले तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अपने ऐप में उसकी जो प्राइस है वो लेस देन 10,000 होगी 10,000 से कम होगी ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको कुछ एक बिजनेस वॉल्यूम कुछ एक रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो इन जनरल मेरा कहना ये है कि जो प्रोडक्ट्स आप इन जनरल यूज करते हो वो प्रोडक्ट सारे अगर अपने यहाँ से अवेलेबल होते हैं तो आपका जो बिजनेस है आपका जो स्ट्रक्चर है मुझे प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं पता क्या कुछ होता है बट जो आपका स्ट्रक्चर है जो आप परचेजिंग करते हो वगैरह वगैरह वो बहुत ब्रॉड लेवल पे चली जाएगी और आपकी बेसिक जरूरत भी पूरी हो जाएगी। रिचार्ज करना सबकी बेसिक जरूरत है। मूवीज वगैरह मूवी टिकट फ्लाइट टिकट होटल वगैरह सब कुछ सब जानते हैं। बुक माई शो पे शो वगैरह देखते हैं कॉमेडी एंड ऑल वो भी टिकटें वगैरह सारी अवेलेबल वहाँ पे होंगी। कपड़े सब खरीदते हैं शूज सब खरीदते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फोन ये फोन वगैरह सब कुछ अपन खरीदते हैं सारा कुछ अपने सिर्फ सिंगल ऐप में अवेलेबल होगा और वहां से परचेज करने पर आपको डेफिनेटली चाहे आप 10 रुपए का कोई कूपन कोड ही क्यों ना खरीद रहे हो चाहे आप 1 रुपए का कोई आइटम ही क्यों ना खरीद रहे हो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। एंड से अगेन थैंक यू वेरी मच मिस्टर जयवीर कि उन्होंने मुझे मौका दिया और जैसे मेरी टीम है काफी लंबी छोटी टीम है वन ऑफ माय टीम मेंबर एमओटीवी है सो हम बाहर के देशों में जाके हम काम कर रहे थे और एक भरोसा सा उठ गया था क्योंकि मेरा बेस जो आर्किटेक्चर है वो ई कॉमर्स एंड एमएलएम कॉन्सेप्ट पे है तो मेरा एक मन सा उठ गया था मैंने कहा यार नहीं अब बट जब मैं मिला और मैंने ग्रोथ मैंने एक चीज देखी ग्रोथ और प्रोडक्ट मैंने देखा मैंने कहा सर मैं करूंगा तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका फॉर गिविंग दिस ए बिग अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू वेरी मच मैं इतना ही टाइम दूंगा तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।